मैं ये नशेमन नगर के स्कूल में एक मर्तबा फिरने को गया था, देखने को बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त लंच का टाइम था, सब बच्चे अपने टिफिन खोल कर खा रहे थे, सब खा रहे थे। एक बच्चा बैठा था जो खाली बैठा है, अपना टिफिन नहीं खोल रहा है। मैं देखना चाह रहा था कि गरीब बच्चे क्या खा रहे हैं। कोई रूखी रोटी है किसी के पास, तो किसी के पास सूखी रोटी है, किसी के पास मिर्ची है, किसी के पास खाली उतरे हुए थोड़े से चावल है। तो इतना देखकर खराब दिखा, लेकिन फिर भी कोई उतरा हुआ चावल खा रहा था, तो कोई सूखी रोटी खा रहा था, कोई मिर्ची या प्याज खा रहा था, तो एक कोई पुराना सेब खा रहा था, कोई मौस खा रहा था, लेकिन एक बच्चा था जो कुछ नहीं खा रहा था। बार बार कह रहा मैं कि खोलो बेटे आपका टिफिन, बताओ क्या है, आप क्यों नहीं खा रहे। तो बच्चा कुछ नहीं बोला। मैं जब इसरार करके मजबूर करा, तो वह मासूम बच्चा ऐसे आंख से आंसू निकालते हुए बोला, अकबर भाई मेरे वालिद बावर्ची है और 8 दिन से बीमार है, तो नौकरी पर नहीं गए, तो 3 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, इसलिए मेरे टिफिन में कुछ नहीं है, मैं उस शर्मिंदगी से टिफिन नहीं खोल रहा। वो सुनकर मेरे आंखों से जारो खतार आंसू टपकने लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्कूल, एक एक स्कूल में महाना सिर्फ तनख्वाह में जो देता हो 3.5-4 लाख रुपए है, मेरे पूरे स्कूलों की महाना तनख्वाह जो टीचरों की, आया की, जो झाड़ू देने वाले, साफ करने वाले हैं, उनकी महाना तनख्वाह 25 लाख रुपए है। लेकिन उस मासूम बच्चे ने ऐसा रुला दिया मुझको कि मेरे आंसू बहने लगे, कि मुझे एहसास हुआ कि आज भी मेरे शहर में, हमारे पुराने शहर में कई घर का ऐसे हैं जहां पे खाना नसीब नहीं है। तो हम अपने पास से पूरे स्कूल्स में अंडा दे रहे हैं, हमारे पास मौस दे रहे हैं, खजूर दे रहे हैं, रोजाना 13,000 अंडे देने का इंतजाम हम कर रहे हैं हमारे बच्चों को स्कूल में। तो आप गौर करिए, खैर बहरहाल बहुत सी बातें हैं।